देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। 2021 विधानसभा चुनाव से पहले सिलीगुड़ी में तृणमूल कांग्रेस द्वारा रैली निकाली गई। 2021 विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी में लगी तृणमूल कांग्रेस। মিছিলের জন্য কি এই গাড়িটা তোমরা ইউজ করেছি তো? দেখি প্রত্যেকটা মানে যখনই ইয়ে হয় তখনই প্রত্যেকটা ইয়েসের জন্য কি ইয়ে করা হয়? কি যখনই কোনো মিছিল বা ইয়ে থাকে তো এই গাড়িটাই কি ইউজ করা হচ্ছে তখন? না না, এটা খালি এই যে এই যাত্রার জন্য, মানে পার্টিকুলার ওয়ার্ডের জন্য এটা। अभी जैसे हम लोग आए हैं तृणमूल का ये जो बंगधरी पदयात्रा जो 24 नंबर वार्ड से किया गया है, तो एक बार बात कर लेते हैं सर। आपका नाम? हमार नाम বেদব্রত দত্ত, আমি দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্ট তৃণমূল কংগ্রেসের স্পোক্স পার্সন। আসল মে ক্যা হ্যায় কি হাম লোগ পিছলে 11 তারিখ সে ইয়ে বঙ্গধ্বনি জো হাম লোগ কা পদযাত্রা হ্যায় ইয়ে হামারে পার্টি নে চালু কিয়া হ্যায় পুরে বঙ্গাল মে, অর আজ সিলিগুড়ি কা 24 নম্বর ওয়ার্ড মে হাম লোগ ইয়ে বঙ্গধ্বনি পদযাত্রা কর রহে হ্যায়। ইসকা মূল উদ্দেশ্য হ্যায় কে बंगाल में पिछले 9.5 साल से ममता बनर्जी ने जो डेवलपमेंट का जितने भी आम जो लोग हैं बंगाल के उनके वेलफेयर के लिए, उनके अच्छे रहन सहन के लिए, उनके रोजमर्रा की जिंदगी में काम आ सके, ऐसा जो हम लोग का परिसेवा है, ऐसा परिसेवा ममता बनर्जी कम से कम 100 से अधिक लाइन। लेकिन उनकी जो खासियत है वो है इनमें से कई 15 जो स्कीम है उसको लेकर के हमारे यहाँ पे पिछले दिनों ये अगले जनवरी के अंत तक चलेगा वो है द्वारे द्वारे सरकार, अर्थात सबके डोर स्टेप में सरकार पहुँच गई और जो सरकारी जो परिसेवाएं हैं आप क्या मानते हैं ये जो मिला या नहीं मिला ये उनसे जानकारी लेना, अगर नहीं मिला हो तो ये उनको मिले इसका व्यवस्था करना। आप क्या मानते हैं ये जो द्वारे सरकार ये पहले बहुत पहले से शुरू होना चाहिए था? जी देखिए, जैसे हम एक उदाहरण आपको दे रहे हैं स्वास्थ्य साथी, अभी स्वास्थ्य साथी ऑलरेडी बंगाल में 7.5 करोड़ जनता ऑलरेडी इसमें कवर्ड है और 1.5 करोड़ जो बाकी जनता है उतने फैमिली को अभी ये द्वारे द्वारे सरकार, ताकि कोई इसमें से बाद न रह जाए, कोई इससे बाहर न रह जाए, इसीलिए ममता जी ने ये कार्यक्रम लिया। कई पे ऐसा सुनने में आया कि केंद्र सरकार जो फ्री में राशन दे रहा है वो क्या तृणमूल जो राज्य सरकार है वो क्या उसमें भी भाग है? देखिए, इसमें तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि केंद्र सरकार अपना जो चावल वो देते थे जिस स्कीम के तहत
वो केंद्र सरकार ने ऑलरेडी बंद कर दिया 2 महीना पहले। अब ममता जी राज्य सरकार के तरफ से माने उनका जो लिमिटेड रिसोर्स है उसके बावजूद वो अगले जून महीने तक बंगाल के सारे लोगों को उन्होंने मुफ्त चावल और आटा ये सबका वो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने ऐलान कर दिया। धन्यवाद। चलिए मिलते हैं हम लोग का काउंसिलर स्वपन दत्तू से। सर स्वपन सर आप कुछ कहेंगे? हम लोग जो ये हम लोग सब साथ जो घूम रहे हैं हम लोग का सरकार का जो मोटो है सरकार का जो बड़ी सभा है ये सब हम लोग घर घर में पहुंचा देंगे। इसी के चलते हम लोग सारे वार्ड में सारा सिलीगुड़ी में हम लोग हो रहा है जिसको सारा बंगाल में हो रहा है। इसी के चलते हम लोग लोगों का सब कुछ जान पा रहे हैं एवं उन लोगों के पास हम लोगों का सरकार का जो बड़ी सभा है वो हम पहुँचा रहे हैं। जैसे बिहार में जैसे जैसे किया गया था वैसे टाइप का आप लोग क्या यहाँ पे भी वही सेम चीज़ आप लोग ला रहे क्या? जैसे घर घर में जाके उन लोग जो सेपरेटली ये किया हम लोग का तो पहले से ही था लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं कोई छूट ना जाए इसी के चलते हम लोग सबके घर में जा रहे हैं। और कोई नया कोई पदक ये कोई स्टेप ले रहे हो आप लोग? अभी तो स्टेप है और एक है हम लोग DS के बैठा रहे हैं बंगला सहायता केंद्र। अब इससे बाद भी कोई छूट जाए किसी को कोई भूल चूक हो जाए वो भी हम लोग सुधारने के लिए हम लोग को सरकार की तरफ से DSK बैठाएंगे इसमें सबको। ऐसा भी सुनने में है कि लाइक खाद्य साथी जो स्वास्थ्य साथी जो कार्ड है वो सभी को अभी तक नहीं मिला है। हाँ उसी के चलते तो हम लोग चाह रहे हैं मिलना। अभी तो जितना अप्लाई किया है उसी के तो राज्य सरकार ने क्या किया वो बढ़ा के टाइम तो बढ़ाया फिर भी आप लोग मानते कि पूरा का पूरा कवर हो जाएगा? पूरा तो हो ही जाएगा। तो इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हो? हम लोग घर घर जाके फॉर्म दे रहे हैं और उसको फिलअप करके पूरा सहायता दे रहे हैं कैसे जाके लोग को कोई छूट ना जाए। हम लोग धन्यवाद। सरकार पहुंच गई और जो सरकारी जो परिसेवाएं हैं आप क्या मानते हैं ये जो मिला या नहीं मिला ये उनसे जानकारी लेना अगर नहीं मिला हो तो ये उनको मिले इसका व्यवस्था करना। आप क्या मानते हैं ये जो दोबारा सरकार ये पहले बहुत पहले से शुरू होना चाहिए था? जी देखिए जैसे हम एक उदाहरण आपको दे रहे हैं स्वास्थ्य साथी। अभी स्वास्थ्य साथी ऑलरेडी बंगाल में 7.5 करोड़ जनता ऑलरेडी इसमें कवर्ड है और 1.5 करोड़ जो बाकी जनता है उतने फैमिली को अभी ये दोबारे सरकार ताकि कोई इसमें से बाद ना रह जाए कोई इससे बाहर ना रह जाए इसीलिए ममता जी ने ये कार्यक्रम लिया। कहीं पे भी ऐसा सुनने में आया कि केंद्र सरकार जो फ्री में राशन दे रहा है वो क्या तृणमूल जो राज्य सरकार है वो क्या उसमें भी भाग है? देखिए इसमें तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि केंद्र सरकार अपना जो चावल वो देते थे जिस स्कीम के तहत वो केंद्र सरकार ने ऑलरेडी बंद कर दिया 2 महीना पहले। अब ममता जी राज्य सरकार के तरफ से माने उनका जो लिमिटेड रिसोर्स है उसके बावजूद वो अगले जून महीने तक बंगाल के सारे लोगों को उन्होंने मुफ्त चावल और आटा ये सबका वो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने ऐलान कर दिया। धन्यवाद। चलिए मिलते हैं हम लोग का काउंसिलर स्वपन दत्तू से। सर स्वपन सर आप कुछ कहेंगे? हम लोग जो ये हम लोग सब साथ जो घूम रहे हैं हम लोग का सरकार का जो मोटो है सरकार का जो बड़ी सभा है ये सब हम लोग घर घर में पहुंचा देंगे। इसी के चलते हम लोग सारे वार्ड में सारा सिलीगुड़ी में हम लोग हो रहे हैं जिसको सारा बंगाल में हो रहा है। इसी के चलते हम लोग लोगों का सब कुछ जान पा रहे हैं एवं उन लोगों के पास हम लोगों का सरकार का जो बड़ी सभा है वो हम पहुँचा रहे हैं। जैसे बिहार में जैसे जैसे किया गया था वैसे टाइप का आप लोग क्या यहाँ पे भी वही सेम चीज़ आप लोग ला रहे क्या? जैसे घर घर में जाके उन लोग जो सेपरेटली ये किया हम लोग का तो पहले से ही था लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं कोई छूट ना जाए इसी के चलते हम लोग सबके घर में जा रहे हैं। और कोई नया कोई पदक ये कोई स्टेप ले रहे हो आप लोग?
अभी तो स्टेप है और एक है, हम लोग बीएस के बैठा रहेंगे बंगला सहायता केंद्र, अब इससे बाद भी कोई छूट जाए, किसी को कोई भूल चूक हो जाए वो भी